होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 7:30 बज चुका है, मेरा रोज का काम वाम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिए हैं। सोमा अभी जागी नहीं, काल जो घूमने गए थे, पैदल घूमना कम बात नहीं है, पैर पूरा दर्द कर जाता है, इसे ही उसका तबीयत ठीक नहीं है। कल दवा भी लाए हैं हम लोग आने का टाइम मेडिकल से। जा रहे हैं, सब्जी वब्जी काटेंगे, नाश्ता बनाएंगे। सोमा नहीं जाएगी। मेरे तरफ से आप सबको शुभ विजयादशमी। नाश्ता में आज फूलगोभी और बीन्स और आलू काट लिए हैं, फ्राई करेंगे। आलू का फ्राई भी हो चुका है, इधर रोटी भी बना रहे हैं, फ्राई हो गया, अभी रोटी में ध्यान देंगे, रोटी बना रहे, फिर बाद में पूरी बनाएंगे। नाश्ता बन के रेडी हो गया है, आलू बीन्स फूलगोभी मिक्स करके मैंने फ्राई किए, पूरी सेवई। चले नाश्ता करने। नाश्ता हो गया, नाश्ता करने के बाद बर्तन सोमा धो ली, हम इधर मटन काट के आलू काट के मसाला वसाला सब मिक्सर में पीस लिए, उसका बाद मटन बना रहे हैं। हम लोग विजयादशमी खाते हैं मटन। आज हम लोग के घर में मटन बन रहा है, लोग बोलिया नहीं तो पूजा में मटन कर रहा है। बंगाली लोग दशहरा में मटन खाते हैं, चिकन मटन मछली जो जिसका जितना मन, जो जो मन, किसी किसी घर में तीनों चीज बनता है। मेरा आवाज आप लोग तक जा रहा है कि नहीं पता नहीं, आवाज बैठ गया पूरा। मटन देख के ऐसा खाने का मन कर रहा, मेरे को शादी हुआ है ना, मम्मी बोले लो खा लो, नहीं तो हम एकदम बनने के बाद ही खाते थे। इसमें भी लहसुन दिए हैं हम लोग, लहसुन ऐड करते घर में सब कोई खाता, हम छोड़ के। इधर तो मटन बन रहा है, मटन थोड़ा सा हम टेस्ट किए थे, बहुत अच्छा बना। झींगा फिश लिए हैं क्योंकि भैया बोल रहा था मटन नहीं खाएंगे, उसके लिए अभी आए थे एक अंकल तो उनके पास से ले लिए, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा लिए हैं, तो भी मम्मी बना देगी। मम्मी कुछ बर्तन तो हम धो दिए थे तब भी, मम्मी बोल रही थी मत धो, हम बोले नहीं इतना काम है धो देते हैं। आज भी सोच रहे हैं हम आज नहाएंगे, मम्मी क्या बोल रहे नहाए कि नहीं, नहा लेंगे जितना भी खराब लगे जो लगे। मटन ऑलमोस्ट बन के रेडी हो ही गया, तो काज बल्ले बल्ले, और एक जन पता नहीं कहाँ है, टल्ले 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 टल्ले, ओ बल्ले बल्ले टल्ले टल्ले, किसको खोज रहा, किसको देख रहा बता तुम मेरे को, देख रहा बैठ के बाहर तरफ, हम क्या बोल रहे हो भी सुन रहा है। धूप अभी अच्छा से खिला है, सुबह से अंधेरा छाया हुआ था आसमान, धूप अभी अच्छा से खिला हुआ है। इसमें पुई डंठी, आलू, बैगन, मूली ये सब दे के, थोड़ा झींगी मछली भी दिए हैं, थोड़ा सा दे के इसको चचड़ी बनाए हैं, और झींगी मछली टमाटर का खट्टा बनाए हैं, सूखा सूखा, कड़ी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ मटन बन के रेडी हो गया। आज का मेनू ये है, उधर पानी गर्म करने के लिए बैठा दिए, चावल धोए नहीं अभी, कल पानी गर्म करने के लिए बैठा दिए हैं। आज का मेनू यही है, बेटा का फरमाइश, मटन नहीं खाएगा, मटन छोड़ देंगे, चिकन छोड़ देंगे, मछली थोड़ा बहुत खाएंगे बोल रहा, ठीक है खाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम बना के रख दिए उसका लिए भी, उसको झींगी मछली पसंद है इसीलिए झींगी मछली थोड़ा बना दिए। आज हम चावल नहीं खा रहे, पूरी खा रहे, झींगा मछली टमाटर देके मम्मी बनाई थी,
और चिकन, चिकन भी आज पूरी खा रहे हैं और बाकी सब राइस खा रहे हैं। घर से निकल के आए हैं आज भी विजयदशमी का दिन। एक पास वाला में तो पूजा अगरबत्ती दिखा के मम्मी आएगी। ये बगल में है हम लोग का कॉलोनी का पूजा है ये वाला। लाइट उट बंद है, सन सन हो गया ना क्या पता नहीं। लाइट उट सब बंद करके रखा हुआ है। रास्ता में तो अभी भी भीड़ है। आज रोड में जाने से कुछ नहीं, बस बसाने होगा, इसीलिए कहीं जाएंगे नहीं हम लोग। मेरे को तो आने का आज मन नहीं था, मम्मी बोली चलो ही पास पास में ही जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लाइट उट सब खोल दिया गया है और थोड़ा जल्दी आने से होता शायद रहता, मैं क्या पता नहीं। मम्मा को आने मन नहीं था, अच्छा नहीं लगा, सोई थी बुलाने कब से, हम इतना काम निपट लेते हैं, चलो चलो आसान है ना इसीलिए। घर का बगल में ही जो दुर्गा माता का है मंडप, वहीं पर हम लोग आए थे अगरबत्ती जलाने के लिए। अगरबत्ती जला के आ गए हैं। सोमा को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए ज़्यादा टाइम हम लोग खड़ा नहीं रहे ना। सोमा फिर बोलेगी सोए थे, उठने का मन नहीं था, मम्मी बोली चलो तो आ गए। यही बगल में है बाबू, बोल रहा था कितना भीड़ में जा रहे मम्मी, कितना घूमते हैं भीड़ में। हम पूछे बाबू तुम शादी करेगा तो तेरा वाइफ को नहीं घुमाएंगे, घुमाएगा? बोला घुमाएंगे मम्मी रात को, हम लोग का ये तो रात को घूमने का पता है, इसीलिए रात को घुमाएंगे 2-3 बजे। अब शाम को चले इतना प्रॉब्लम है भीड़ में, आप रात को 2 बजे जाते तो हम भी जाते आपका साथ, ऐसे ही बोल रहा था। फिर घर में जाके आप लोग से बात करते हैं। हम माता को अगरबत्ती उत्ती दिखा के घर आके पहुँच गए। घर में आके कपड़ा चेंज करके थोड़ा देर बैठे थे, जा रहे किचन में क्या करेंगे। सब्जी उब्जी है, मटन है, झींगी मछली वो भी है, और क्या बनाए थे, आलू बैंगन मूली कुछ ऐसा बनाए थे वो सब है। सिवई भी है सुबह का, वो सब अभी सब्जी उब्जी कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोटी बनाएंगे। डिनर कर लिए रोटी और मटन, बर्तन नहीं धोए छोड़ दिए। सोमा क्या करी आज के आज डिनर में? चावल खाए। तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रहा, सर्दी हो रहा, गला दर्द कर रहा, दवा खा रहा, ऊपर से चावल खराब भी बोले तो उसको तकलीफ हो रहा। दिन को खाया पूरी, अभी खाया चावल, उस टाइम गरम गरम चावल खाता तो ठीक रहता। ठीक है, खाएगी तबीयत खराब होगा तो जाके खत्म हो गया। अभी दीपावली, दीपावली सोचेंगे वो भी खत्म हो जाएगा, फिर छठ माता का पूजा वो भी छठ माता छठ माता करते करते खत्म हो जाएगा, सब आते जाते रहेगा। न्यू साल आ जाएगा, न्यू साल का पहले कुछ आएगा उसका बर्थडे जो कि हम नहीं मनाएंगे। मेरा बर्थडे कब रे? मम्मी का बर्थडे परसों है। नहीं मनाएंगे, मनाएंगे नहीं, घर में नहीं मनाएंगे, कहीं पर नहीं मनाएंगे हम लोग। 2022 से हम लोग केक नहीं काटेंगे, केक नहीं काटेंगे, कुछ और करेंगे। क्या करेगी, कुछ नहीं करना। 2022 से हम लोग जितना औकात है मेरा उतना करेंगे। 2022 से हम लोग को बहुत तकलीफ है, हम लोग का साथ जो हादसा हो गया वैसे हम लोग ना बर्थडे मनाते ना कुछ, खाली मन को ठीक खुश रखने के लिए थोड़ा चले जाते घूमने उमने, कभी कल याद आ जाता तो बड़ी तकलीफ लगता है। क्या करेंगे, आदमी है ना, जीना है, खाना है, घूमना है, फिरना है,
जिसका मन में दर्द नहीं है, याद नहीं है, सबका मन में अपना आदमी के लिए दर्द दुख होता है, ऐसा बात नहीं है। सबको धीरे धीरे बुलाना पड़ता है क्योंकि जीना है ना, हम लोग को हमेशा याद करते हैं, ऐसा बात नहीं। इसीलिए हम लोग बर्थडे सोमा भी बर्थडे नहीं मनाया, बाबू भी नहीं मनाया बर्थडे, हम भी नहीं, पहले मनाते थे हम लोग बर्थडे। बेटा तो बहुत दिन से केक कटना छोड़ दिया था, लेकिन हाँ कपड़ा लत्ता लेता था और खाना उना बनाता था, वो बोलो वो भी छोड़ दिया। और सोमा तो सब करती थी ना सोमा। हाँ मेरा केक कटना मेरा फेवरेट था, लेकिन हम पिछले साल से छोड़ दिया, तो अब नहीं कटेंगे, मन भी नहीं है अब वैसे भी केक कटने का। क्या बोलिएगा, बंद कर दीजिए। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए। मेरा तरफ से आप सबको विजयादशमी का प्रणाम, बंगाली लोग विजया का प्रणाम करते हैं, आप सबको मेरे तरफ से विजया का प्रणाम। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर मिलेंगे आप लोग से। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट, बाय।